बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी आर लेक्चर नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे हम आज, विच इज़ इंडिकेट विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव रियल नंबर कौन से होते हैं। फर्स्ट पार्ट है 8 raised to the power 6। अब जहाँ कहीं भी आपके पास बेस पॉजिटिव में हो और आपके पास पावर इवन में हो, तो आपके पास रियल नंबर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में है, क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास बेस नेगेटिव में है और पावर किस में है? ऑड में है, तो आपके पास आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री बेस देख लीजिए, आपके पास बेस किस चीज़ में है? नेगेटिव में है, मगर आपके पास पावर किस में है? इवन में है, तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव। इस पूरे क्वेश्चन का अगर हम समराइज़ करें तो इसका आंसर यही निकलता है कि अगर आपके पास बेस नेगेटिव में है और पावर आपके पास ऑड नंबर में है, तो ही आपके पास आंसर रियल नंबर में जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, अदरवाइज़ आपके सारे आंसर पॉजिटिव होंगे। रुक गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 28 (83)9। यानी इस पूरी वैल्यू को फाइंड करने का सही मेथड कौन सा होगा? आपको क्वेश्चन में दो मेथड गिवन है। फर्स्ट है, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 28 with 83 एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। यानी कि पहले हम 28 को 83 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसकी 9th पावर मालूम करें। और सेकेंड मेथड है, वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83। हम पहले 83 की 9th पावर फाइंड करें एंड देन मल्टीप्लाई विद 28 और फिर जो आंसर आएगा उसे 28 से मल्टीप्लाई करें। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो सही मेथड है वो है सेकंड मेथड। पहले हम पावर सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में पावर होती है उसको सॉल्व करते हैं, देन हम ब्रैकेट के आउटसाइड जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके आंसर को। इसलिए आपके पास क्या आएगा? सेकेंड मेथड इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक नोट है, अब वो देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पर राइट भी कीजिएगा इसको। इफ़ द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइंग द पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड। यानी कि अगर आपके पास बेसिस सेम हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड। क्वेश्चन नंबर फोर देखें आप, आपके पास बेस नेगेटिव में है और आपके पास उसके ऊपर पावर किस में है? इवन नंबर में है, तो उसके पास इसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अब यहाँ से वही वाली स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होगी इसके ऊपर। जैसे आपके पास बेसिस क्या है? सेम है, तो पावर्स इसकी क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। आपने सिर्फ यहाँ पे पावर्स को ऐड करके लिखना है इस पूरे क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई पूरा नहीं करना है। इसको पूरा आपने इसका 7 to the power 2 को आंसर निकाल कर नहीं लिखना। देन बेसिस यहाँ पर क्या है? सेम है, और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर भी आपके पास बेस क्या है? तीनों में सी है, और आपस में तीनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। पार्ट फाइव में भी ऐसे ही करना है, आपके पास बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं और बिल्कुल सेम है बेसिस, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब पार्ट सेवन में देखिए, बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास जब आपस में ऐड होंगी तो उसके आंसर में जो आपके पास पावर आएगी, आंसर में एक्सपोनेंट होगा, वो माइनस में आएगा। जब पावर माइनस में आएगी तो उस वैल्यू को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि पावर किस में है? माइनस में है, नेगेटिव में है, तो हम हमेशा पावर पॉजिटिव में ही लिखते हैं। इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नाइन है, पावर माइनस में आ जाएगी, इसको पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। और स्टूडेंट्स, आपने जो जितना भी काम लेक्चर वन और टू में आपको करवाया गया है, इसको फेयर कॉपी में करना है और असाइनमेंट रजिस्टर में इस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने। थैंक यू।